नमस्कार दोस्तों, जानो और सीखो के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आज हम जानेंगे स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट के बारे में। लेकिन इससे पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मोबाइल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम पर मिलें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं स्टॉक या शेयर मार्केट क्या होता है। तो सबसे पहले, स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट एक चीज़ नहीं है। स्टॉक मार्केट वो जगह होती है जहां लोग शेयर, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स और कई तरह के फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स खरीद सकते हैं। यानी केवल स्टॉक नहीं बट कई चीज़ खरीद सकते हैं। और शेयर बाज़ार अगर देखा जाए तो शेयर बाज़ार वो जगह है जहाँ पर केवल लोग स्टॉक खरीद सकते हैं। तो ये तो अंतर हो गया स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट के बारे में। अब जानते हैं कि शेयर बाज़ार जो होता है या स्टॉक बाज़ार जो होता है वो कैसे बनता है। तो शेयर बाज़ार की तीन कड़ियाँ होती हैं। सबसे पहला होता है स्टॉक एक्सचेंज। एक स्टॉक एक्सचेंज होना ज़रूरी है और एक ब्रोकर होना ज़रूरी है और एक निवेशक होना ज़रूरी है। अभी आप सुने होंगे शेयर खान के बारे में, ICICI डायरेक्ट के बारे में, इंडिया बुल्स के बारे में, ज़ीरोधा के बारे में। तो ये सब जो होते हैं ये ब्रोकर्स होते हैं। तो ब्रोकर क्या होता है कि ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर होता है। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या है कि वो हर आदमी से ट्रेड नहीं करता। हम भले ही ज़ीरोधा का अकाउंट लेके कुछ भी खरीदते हैं बेचते हैं, लेकिन हम अपना ऑर्डर जो है ज़ीरोधा को दे रहे हैं और ज़ीरोधा मेरे बिहाफ पे वो ऑर्डर एक्सचेंज को दे रहा है। तो ज़ीरोधा मेंबर एक्सचेंज का, मैं नहीं मेंबर हूँ। तो ब्रोकर जो होता है वो एक्सचेंज का एक्चुअली मेंबर होता है और वही केवल स्टॉक ट्रेडिंग एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मेरे बिहाफ पे वो ट्रेडिंग करते हैं। तो ये सिंपल सा स्टॉक मार्केट का डेफिनेशन हुआ। अब हम जानते हैं थोड़ा स्टॉक मार्केट के हिस्ट्री के बारे में कि कब से शुरू हुआ, कैसे हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक अंग्रेज़ों की कंपनी थी, वो पहली ट्रेडेड कंपनी थी, पहली लिस्टेड कंपनी थी और एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई थी। तो एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज जो है वो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। अब बात करते हैं भारत में। तो भारत में कुल 21 स्टॉक एक्सचेंज हैं, जिसमें सबसे बड़ा तो NSE और BSE, ये दो ही सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं इंडिया में। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कहते हैं। NSE की जो स्थापना है वो 1993 में हुई थी, काफ़ी नया एक्सचेंज है, जबकि BSE बहुत ही पुराना 1956 में फाउंड हुआ था। लेकिन दोस्तों, जो आजकल हम लोग स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, जो हम लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, जो हम लोग टर्मिनल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करते हैं, ये सब सन 2000 से NSE और BSE पर चालू हुआ था। तो चलिए एक्सचेंज के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं कि प्राइमरी इशू और सेकेंडरी इशू क्या होता है और एक्सचेंज का इसमें क्या रोल है। जब कंपनी पहली बार लोगों को अपने शेयर लाती है और अपने शेयर देती है तो उसे हम प्राइमरी इशू कहते हैं। जब लोग प्राइमरी इश्यू में मिले शेयर आपस में खरीदने और बेचने लगते हैं तो उसे हम सेकेंडरी इश्यू कहते हैं। तो प्राइमरी इश्यू एक बार एक्सचेंज हेल्प करता है कंपनी को प्राइमरी इन्वेस्टर्स तक पहुंचाने में थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस। लेकिन एक बार जब वो हो जाता है तो सेकेंडरी इश्यू से जो बाकी इन्वेस्टर्स हैं वो आ जाते हैं और जो जिनको पहले प्राइमरी इश्यू में मिला है उनसे खरीदना बेचना चालू करते हैं। तो एक्सचेंज को वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है करने के लिए। तो ये एक्सचेंज का रोल होता है प्राइमरी इशू और सेकेंडरी इशू में। अब हम जानते हैं स्टॉक एक्सचेंज का क्या क्या रोल होता है, क्या क्या उसका काम होता है। तो सबसे पहला है स्टॉक एक्सचेंज का काम है इकोनॉमिक बैरोमीटर। इकोनॉमिक बैरोमीटर का मतलब ये होता है कि वो किसी भी देश की इकोनॉमी का प्रोग्रेस मेजर करने में काफ़ी हेल्प करती है। अगर उसके स्टॉक एक्सचेंजेस में जो स्टॉक्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ रही है, काफ़ी बाहर के निवेशक आ रहे हैं उसमें पैसा लगा रहे हैं, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो एक्सचेंज भी ग्रो करेगा, वो भी प्रॉस्पर करेगा। तो वो एक तरह से इकोनॉमिक बैरोमीटर होता है, एक्सचेंज का भी होता है और कंपनी का भी होता है। कंपनी किस तरह परफॉर्म कर रही है उसके इकोनॉमिक्स को भी वो दर्शाता है। एक्सचेंज में प्राइस डिस्कवरी भी होती है। तो अभी जैसे आप देखते हैं कि अक्सर IPO आते हैं, तो IPO के बाद जब एक्सचेंज पे वो लिस्टेड होते हैं तो सडनली उसका प्राइस बढ़ जाता है या घट जाता है। तो रियल जो उसका प्राइस होता है किसी भी स्टॉक का, बायर और सेलर्स किस तरह से उसको ट्रीट करेंगे, एक्चुअल जो डिस्कवरी होगी प्राइस की डिमांड और सप्लाई से, उसको डिस्कवर करने में एक्सचेंज मदद करता है।
एक्सचेंज ऑल्सो प्रोवाइड्स लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी क्या होती है कि सपोज़ मुझे मान लीजिए कुछ शेयर हैं, अब मुझे बेच के निकलना है, अगर एक्सचेंज नहीं होता तो मैं कहाँ बेचता वो शेयर। तो एक्सचेंज मुझे वो एक मीडियम प्रोवाइड करता है जहाँ पे मैं ये एश्योर हो सकता हूँ कि भाई मेरे पास जो शेयर है वहाँ कोई ख़रीदार मुझे मिल जाएगा। तो जिस तरह से वो बायर्स सेलर्स को लाता है वो हमें लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है उस तरह से। ऑल्सो वी हैव ट्रांजेक्शन सिक्योरिटी, जो भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो सेफ और सिक्योर है, ये एंश्योर करता है एक्सचेंज। एक्सचेंज ऑल्सो हेल्प्स अस टू रेज फंड्स। अभी क्या है कि कोई भी कंपनी को जब मार्केट में फंड्स रेज करने हैं तो वो एक्सचेंज के पास जाती है और एक्सचेंज उसको हेल्प करता है रेज फंड्स करने में, चाहे वो प्रेफरेंशियल इशू के ज़रिए से हो या राइट्स इशू के ज़रिए से हो या कोई और तरीका हो, बट एक्सचेंज उसको हेल्प करता है। एक्सचेंज ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रेड सेफ्टी। अभी क्या है कि जो भी हम ट्रेड करते हैं वो सेफ़ और सिक्योर हो, वो कोई हैक नहीं कर रहा हो, वो मेरे टर्मिनल से ही जा रही है, सेफ़ है, तो वो सेफ्टी के सारे मैकेनिज़म्स होते हैं ब्रोकर और एक्सचेंज के बीच में टाई अप और उनके बीच में जो लिंक रहता है वो सब सेफ्टी प्रोवाइड करता है। एक्सचेंज ऑल्सो हेल्प्स इन इकनॉमिक ग्रोथ। अभी क्या है कि किसी भी इकनॉमी को ग्रो करना है तो उसके सारे जो कंपनीज़ हैं उनको ग्रो करना है, तो एक्सचेंज में जिस तरह से उसके स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे उसको देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी इकनॉमी ग्रो हो रही है। तो ये सब है ऑल टुगेदर स्टॉक एक्सचेंज का काम। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, हम ये भी जानेंगे कि ब्रोकर और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, शेयर मार्केट में ख़रीदने बेचने के लिए क्या क्या चाहिए, कैसे हम शुरुआत कर सकते हैं शेयर मार्केट में ख़रीदना बेचना, और हम ये भी जानेंगे कि एक बार हम ख़रीदते हैं तो जो हमें इक्विटी मिलती है उसका सेटलमेंट साइकिल क्या होता है, क्योंकि वो तुरंत तो आती नहीं है हमारे अकाउंट में, उसको 2 दिन लगता है आने में, तो वो जो पूरा सेटलमेंट साइकिल है वो भी हम समझेंगे। तो ये था आज के वीडियो में। जानो और सीखो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और मिलते हैं अगले वीडियो में।